उस दिन दिखा नहीं पाई मैं आपको, क्योंकि मैंने सोचा कभी टाइम से दिखा दूंगी, आज मेरे पास टाइम। मेरी दोस्ती में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, यानी कि कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। ने ये देखिए, यह फूल और लगनो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कानन में आई फूल तो एक ये। चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। मैं गीता मिश्रा देवाल ब्लॉग के सिरखुला गांव से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी बजे हैं दिन के 12 बजे हैं और मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ। और मैंने इनको खाना खिला के सारा घर का काम कर दिया है। मेरा तो आज व्रत है, आपका भी होगा, किसी का आज माघ पूर्णिमा है और इसलिए मुझे अभी और बाज़ार भी जाना है, क्योंकि ब्लॉक में भी कुछ काम है और थोड़ा सा सब्जी सब्जी भी लानी है, इसलिए मुझे बाज़ार जाना है। वहाँ से आके मिलती हूँ आपसे, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉक में। देखो, मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार से आने के बाद यहाँ बैठी हुई हूँ उर्वशी लोगों के यहाँ पर, विश्राम कर रही हूँ थोड़ा सा और हवा भी चल रही है बहुत। अभी उर्वशी यहाँ पर गुलदस्ता बना रही है, देखो कितनी छोटी है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसा गुलदस्ता बना रही है करके। देखिए क्या कर रही है उर्वशी अभी, ये तो मिठाल का था। अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसे बना रही है उर्वशी। हाय गाइस, हाय गाइस, मैं बना रही हूँ, क्या है ये? मैं वैसे ही फूल बनाने के ट्राई कर रही थी। अच्छा ऐसे, पहले गोल गोल बनाए उसके बाद। बन गया फूल, एक फूल थोड़ा बन गया, पतला हो रहा होगा ना, पतला नहीं हो कुछ ऐसे, ये वाला के लिए जल्दी कटता है ना। ये अलग ही है। देखिए बना दिया उर्वशी ने, फर्स्ट क्लास फूल बना दिया। कच्चा भी ले है। कच्चा है ना, या फिर वो कच्चा है या फिर कम ही निकला होगा। कम निकला ना, छोटा था वो। हाँ, ये बना दिया तुमने, ये इसको दिखाओ, ये इतना बड़ा बना दिया है। ये देखिए जो ये अभी नीचे बना रहे थे इसमें से इसी का बना रखा है ये भी, ये बहुत प्यारा बन रहा है अभी, देखो कितना बढ़िया बना दिया उर्वशी ने। ये देखिए, यह फूल और लगनो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कानन में आई फूल तो एक ये फूल बढ़िया लगना। उनका पत्ता बढ़ ही आ गई है। अब पत्ते बनाना, ये पत्ते तब दिखाऊंगे। हाँ, अभी बढ़िया बना रखा है ये देखिए, दिखा रही हूँ मैं आपको, ये उर्वशी ने बनाया है अभी ये मेरे सामने ही बनाया है अभी, तब दिखा रही हूँ मैं आपको। ये अभी और बनाने में लगी है वहाँ पर उर्वशी। ये पत्ता बन गया, फूल ही है ना ये। हाँ, ये फूल है, इसको भी चिपकाओ फिर इसमें। अलग अलग कलर के वो क्ले, ऐसा तो मतलब चिपक नहीं रहा था, एक ही बार में ऐसे ही चिपक गया। चिपकाने की जरूरत नहीं है एकदम। शाम के 3 बज चुके हैं और मैं बाजार से घर आ गई हूँ, अभी बनाती हूँ मैं चाय। द मोस्ट इम्प्रेसिंग थिंग वाज दैट फ्रेंड वाला पार्ट, जिसमें सर ने कहा कि जेलसी और इन सब के पार्ट हमें दोस्ती में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट आई लाइक, एंड आई थिंक इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला, एंड आई फील ग्रेटफुल टू बी प्रेजेंट हियर।
बिल्कुल, और भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या सीखा आपने? सबसे अच्छी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बहुत सी बातें बताई, जैसे कि हमारा सारा तनाव हमें मुक्त कर दिया है, अब हमें एग्जाम्स देने हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली कि स्ट्रेस बाहर से नहीं आता, सबसे ज्यादा स्ट्रेस हम अपने अंदर से लाते हैं, और अगर हम अपने अंदर का स्ट्रेस भगा दें तो बाहर से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तनाव पर बहुत बात कही है, आप शायद टीचर हैं, तो एक टीचर को भी उन्होंने बहुत सारे मैसेज दिए हैं, तो आपने क्या नया सीखा? पहले तो सबसे पहली बात तो हमने ये सीखी कि बच्चों को हम स्ट्रेस फ्री कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली एग्जाम के टाइम में जितना स्ट्रेस्ड बच्चे होते हैं 20-25% उतने ही स्ट्रेस टीचर भी होते हैं कि हाउ दे विल परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। बट उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि हमें लगता है कि अब हम खुद भी स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और जो हमारे बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनको भी हम गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, टीचर को लेकर के भी बोलते हैं, और भी बच्चे हमारे साथ हैं, आपने भी मोदी जी को सुना इतनी देर तक, क्या सीखा आज? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि कैसे मैं अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सकता हूँ बिना कोई टेंशन लिए अपने दोस्तों के साथ रखकर। तो मैं काफ़ी धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने हमें इतनी सारी अच्छी बातें भी दी है। धन्यवाद। और प्रेशर को झेलने के साथ साथ अभी जब समय आए तो आ जाना, नींद पर ध्यान रखना है, खेल पर ध्यान रखना है, इन सभी बातों को भी कहा मोदी जी ने, आप करेंगे? अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमें परीक्षा के समय हमें ज़्यादा घबराहट नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और खेलना चाहिए, वो हमारे शरीर के अनुसार में हेल्दी। परसों में दिखाया था मैंने, परसों आपको, कि मैं हार्ट गई थी वहाँ पर सीमार संस्था के ऑफिस में, हमारी मीटिंग थी और वहाँ पर मुझे ये देख के सम्मानित किया गया था। बढ़िया सा शील्ड है, उस दिन नहीं दिखाया मैंने आपको, आज दिखा रही हूँ, ये देखे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। बहुत सुंदर लग रहा है, सम्मान का तो एक रुमाल ही बहुत होता है, ये सभी को पता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ एक मुझे फ्रेम भी मिला था, जो मुझे ये है, ये वाला है, ये इसमें भी वही लिखा है जो उसमें लिखा था, ये सम्मानित किया गया था मुझे। बहुत खुशी हुई मुझे कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, सम्मान करने के लायक। उस दिन दिखा नहीं पाई मैं आपको, क्योंकि मैंने सोचा कभी टाइम से दिखा दूँगी, आज मेरे पास टाइम है, कहीं नहीं गई हूँ, इसलिए मैं आज दिखा रही हूँ। ये यहीं पर रखे हैं मैंने, यहाँ पर सारे अपने जो भी हैं यहीं पर रखे हैं मैंने, इधर उधर जहाँ भी जाती रहती हूँ तो सारे यहीं पर रखे हैं। सारा ऑफिस ही बनाया है मैंने, ये देखिए सारा टेबल, सारे कागजी कार्रवाई सारे यहीं पर होती है, समूह का सारा कामकाज यहीं से करती हूँ मैं। आज के ब्लॉग को बस यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।